ये देखो भाई, ये मिक्स आ गया। मिक्स क्या रेट है? 200। ये देखो भाई काजू, काजू क्या रेट है? काजू 150 का पाव, 120 का लगा। 120 का। ये देखो भाई, ये अपनी अंजीर आ गई बढ़िया वाली। अंजीर क्या रेट है? अंजीर 150 की पाव। ये और ये देखो भाई अखरोट, क्या रेट दिया भाई अखरोट? 250 का किलो। 250 का। किसमिस? ₹200 किलो है। Hey guys, welcome back to my another vlog. So, भाई लोग कैसे आप सब? अभी मैं हूँ दिल्ली के अंदर और भाई अभी मैं जा रहा हूँ खारी बावली मार्केट आपको दिखाने। ड्राई फ्रूट मार्केट है भाई ये, और ये सबसे पहले तो ये देखो भाई यहाँ पे दिल्ली का हाल, स्लम सीन दिल्ली। भाई दिल्ली का ना बहुत बुरा हाल है, देखो जितना दिखने बोलते हैं ना लोग हमें दिल्ली दिल वालों की ऐसी वैसी, पर आप आओगे ना तो आपको दिख जाएगी। चलो छोटे तो दूसरी, ये तो बाद की बात है भाई। अभी हम जा रहे हैं खारी बावली मार्केट के अंदर। ड्राई फ्रूट ये मार्केट है भाई, और ड्राई फ्रूट में आपको काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आपके जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आ गए, आपके मसाले आ गए, ये उन्हीं के लिए फेमस है। और भाई यहाँ के रेट, यहाँ जो रेट मिलेंगे आपको वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे खारी बावली के जो मार्केट के रेट है। शॉप के साथ तो आप इसका कंपटीशन, मतलब कैसे भी इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते शॉप के साथ। तो यूँ लगा लो काजू आपको 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, बादाम आपको 150 रुपये किलो, अखरोट भी आपको ऐसे ही, पिस्ता भी ऐसे ही। तो चलो भाई दिखाते हैं आपको ड्राई फ्रूट मार्केट, चीप ड्राई फ्रूट मार्केट इन दिल्ली। और मैं तो भाई इंडिया ही कहूँगा क्योंकि मैंने तो देखी नहीं और जगह कहीं पर, दिल्ली में ही देखी है। और भाई इसकी लोकेशन बता दूँ, अगर आप पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतर या नई दिल्ली पर, तो इसके बिल्कुल काफ़ी नज़दीक है, आपको ऑटो मिल जाएगी आसानी से। आपको बोलना है खारी बावली मार्केट हमें जाना है, ठीक है, पुल के पास। तो ये आपसे 20 रुपये लेगा ऑटो वाला और आपको यहीं छोड़ देगा खारी बावली मार्केट पे। तो चलो भाई दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं खारी बावली मार्केट को, क्या कुछ सीन आज का वहाँ पे रहने वाला है, कैसे मतलब कौन कौन से आइटम मिलेंगे आज हमें, ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से मिलेंगे वहाँ पर, और क्या कुछ उनका रेट रहने वाला है। उठ चुके हैं हम खारी बावली मार्केट के अंदर, और इसकी लोकेशन दिखा दूँ, पीली कोठी चौक नाम से है। आप ना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो बिल्कुल आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगी भाई, 20 रुपये लेगा आपसे। और काल अभी आज मार्केट लगी हुई है, देखो आप चारों तरफ, ये देखो भाई चारों तरफ मार्केट लगी हुई है। इस चौक को क्रॉस करोगे ना आप, जैसे ही उधर जाओगे तो मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो भाई चलते हैं। और भाई ये देखो, सबसे पहले आपको दाख दिखाते हैं। देखो भाई क्या रेट है भाई ये दाख, ये क्या रेट है? ये 60 रुपये पाव है, 50 लगाइए। क्या? 50 की पाव। 50 की पाव। हाँ। और ये वाली कोई सी किलो 50 है, 180 रुपये किलो है। 180 रुपये किलो। हाँ। ओ भाई ये देखो भाई, 180 रुपये किलो दाख। और इसका देखो यार, ये बिल्कुल धूप में रखी हुई है ना, इस वजह से लग रही है आपको थोड़ी वैसी, सुबह से बहुत तेज धूप पड़ रही थी। अरे ले जाओ बढ़िया वाली किशमिश है। अच्छा किशमिश 180 रुपये किलो लेके ले जाओ। सही है भाई। ये देखो, और काजू क्या रेट है? काजू देखिए सर 550 है, 520 लग जाएगी। 520 लग जाएगा है। सही है भाई। और टूटे में वाला? वो टूटे में वाला 400। 400 रुपये। सही है भाई। ये क्या रेट दिया दीदी? 200। और ये किशमिश? किशमिश सेम रेट है। ये देखो भाई 200 रुपये किलो अखरोट। और काजू अपना? काजू 100 का पाव। काजू 100 का पाव। अच्छा ये अंजीर है क्या? अच्छा ये आपने टूट मार रख रखी है। अंजीर ले जाओ 60 का पाव। 60 का पाव। सही है भाई। और ये देखो भाई अखरोट क्या रेट दिया भाई अखरोट? 250 का किलो। 250 का। खाके देखो। ये देखो भाई ये 250 रुपये किलो है। ये देखो भाई ये 250 रुपये किलो वाला अखरोट है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। सही है भाई। और ये देखो इधर मसाले आ गए, ये है मिक्स मसाला, ये मिक्स, ये 60 का पाव। और ये क्या है? ये जावित्री। ये किसमें यूज होती है? में। अच्छा मस, ये इसमें है जावित्री। सही है भाई। ये क्या रेट है? 80 का 50। और ये देखो भाई फुकनी वगैरह, जिस हम बचपन में खाते थे रामलीला में,
ये देखो भाई, ये क्या रेट दिए? 50 रुपया भाई। ये देखो भाई अपनी किशमिश, किशमिश क्या रेट दिया आपने? 200 रुपये किलो। ये कैसे दिए? ये देखो ये मिक्स, ये कैसे दिए? मिक्स दिया 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, किलो। ये सही है भाई, 100 रुपये किलो के साथ। काजू 100 का पाव, ये मिक्स वाला है, 100 रुपये किलो। ये क्या रेट दिया? 80 का 100 ग्राम भाई। ये देखो भाई, और काजू? काजू ले जाओ 120 का पाव। इधर अपन एक मिनट में ले। ये देखो भाई अपनी अंजीर आ गई बढ़िया भाई। अंजीर क्या रेट है? अंजीर 150 की पाव। ये अच्छा, इसमें छोटे वाली होगी। और बादाम क्या रेट है भाई? 600 रुपये बढ़िया वाला है। ये देखो भाई 600 रुपये किलो वाला बादाम है। और काजू मेरे भाई? काजू भाई ये 150 का पाव, इसके नीचे वाले दिखाइए। ये 150 का पाव तो भाई बढ़िया आइटम है। ये देखो आप, अंजीर भी बढ़िया है। तो भाई जो आपको ना, और ये देखो भाई मिक्स बेच रहे हैं, कितने का है? 100 रुपये किलो। ये देखो भाई मिक्सचर 100 रुपये किलो के हिसाब से। ये देखो इसके अंदर आपकी किशमिश आ गई, ये खोया आ गया, ये आ गया काजू, ये आ गया बादाम, अखरोट। 80 का पाव 150 का आधी किलो है। अंजीर क्या रेट दी भैया? 100 की है पाव, लेकिन 350 किलो है। 350 किलो। और ये किशमिश लगा देंगे तुम्हारे लिए 240 की किलो, 200 रुपये दे देना। 200 रुपये किलो है। ये देखो भाई 200 रुपये किलो। ले जाओ। और ये देखो भाई जो हम ये खाते हैं दूध में डाल के, ये क्या रेट है? 100 रुपये पाव। और अखरोट अंटी है? अखरोट तो 150। सही है भाई 150 रुपये पाव। और ये 150 रुपये किलो। ये क्या है अंकल? काजू का टुकड़ा। अच्छा ये टुकड़ा है सारा। सही है भाई, काजू बादाम मिक्स है इसमें, खाली काजू काजू है? खाली काजू का। ये क्या रेट है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। ये देखो भाई खाली काजू काजू है इसके अंदर, 100 रुपये किलो। ये देखो ये भाई फिर से मिक्सर मिल गया, काजू पिस्ता बादाम वाला। ये क्या रेट है भाई? क्या रेट है? 200 बूंदा की। तो भाई बारिश का मौसम है, बारिश आ चुकी है। और ये देखो सारे कैसे थैलियाँ ढक रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं ना भाई ड्राई फ्रूट्स, इसमें बारिश में गिल्ला होने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं मिलने में। ये देखो। और भाई एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, देखो भाई आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन ना एक बात आपके ना मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगती है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, तुम कर दिया करो यार चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के भाई पैसे नहीं लगते, मैं आपको बताऊँ, फ्री में होता है ये, ठीक है? आपके एक बंदे को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस बंदे की ज़िंदगी पलट जाएगी यार। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओ भाई ये देखो अपने चने आ गए, दाल आ गई। ये चने क्या रेट है भाई? है 40 40 40 70। राजमा? राजमा 90 100 120 140। अच्छा इसमें भी अलग अलग क्वालिटी हैं राजमा में भी? सबसे टॉप की क्वालिटी कौन सी है? ये वो। और अच्छा फ़र्क क्या होता है वैसे इनमें? वाइट में है। और सबसे ये कौन सी? ये सही बीच वाली है क्या? कैसे है? काला राजमा होता है ये काला राजमा कैप्सूल। ये देखो भाई ये है सबसे बढ़िया टॉप क्वालिटी का, 140 रुपये किलो में। और ये काला कैप्सूल राजमा, ये क्या रेट है? 100। ये 100 रुपये। सही है भाई। आ गया ये वाला आ गया। काजू क्या रेट है? हाँ भैया काजू में 150 का पाव, 160 की पाव। और अखरोट क्या जी? अखरोट 120 की पाव।
ये बादाम कैसे दिए दोनों? ये दाना खा के देखो लो। ये देखो भाई 120 रुपए का पाव। ये देखो 170 के पाव है, 150 लगेगा। 150 रुपए लग जाएगा। ये देखो भाई 160 के पाव। ये देखो भाई 200 रुपए किलो। अखरोट में भी दम है भाई, काजू बिल्कुल मीठा, अखरोट भी मीठा भाई। जो इन लगा लो 600-700 रुपए किलो मिले हैं मार्केट में, यहाँ पे 150 रुपए पाव। कीवी के रेट है दोस्त 100 रुपए का भाई साहब। कितने पीस है इसमें? 11। यार मैं कई बार लेके जा लिया, अंदर से ना बिल्कुल कच्ची होती है वो यार, और कई बार लेके कई बार ऐसे आ गया बिल्कुल गड़ी हुई पकी। मेरे भाई ब्रह्म मारी पकी हो जाती है खराब रखे रखे, कच्ची तुम 8-10 दिन रख के खा सकते हो आप। अरे फिर भी यार उसका 3-4 दिन बाद भी टेस्ट वैसा का वैसा होता है, बिल्कुल खट्टा नहीं। नहीं बारिश आ गई नहीं हो सकता, जब वाली कीवी नहीं है एक दिन भी लगाओगे तो उसमें टेस्ट होगा, ये मीठी वाली कीवी। अच्छा भाई ये मैंने पैकेट लिया था ये वाला, ये देखो ये 50 रुपये का, और ये खुला था इसमें ना मतलब स्मेल थी यार, और ये भाई अभी लेने को मना कर रहा वापस। तो भाई अब स्मेल वाला पैकेट लेऊं या ना लेऊं यार, खुद बताओ तुम। खा ले भाई बैग है हाँ ले। और यार बदबू वाला कौन ले हुआ, तो खुद ही बता, खुद समझदार है। मेरे तक क्या कौन था ना, क्या कौन था ना मेरे तक, और अभी तो 2 मिनट पहले दिखा रहा था। क्या हो गया, क्या हो गया? 10 रुपये पैकेट लिया उसमें स्मेल है। हाँ तो कोई बात नहीं, करके वापस ले जाओगे। फोन पे कराएंगे कोई बात नहीं है। थैंक यू भाई, और कुछ? बस भाई धन्यवाद। तो भाई ये देखो वो तो मना कर रहा था भाई, लेकिन दूसरा भाई आया उसने पट देने से 50 रुपये निकाल के दे दिए। तो भाई स्मेल वाली चीज़ कौन खाएगा, आप खुद ही सोच के देखो ना। और भाई दो टाइप की मार्केट होती है, एक तो जैसे अपने दुकान वाली होगी मार्केट के अंदर जिसमें सारा बढ़िया माल ऐसे मतलब डब्बों में पैक और उनमें पैक मिलेगा आपको, और एक है एक रोड साइड वाली। तो ये आज हम आपको रोड साइड वाली मार्केट दिखा रहा हूँ मैं भाई आपको। और अगर आप ये दुकानों वाली मार्केट देखना चाहते हो ना ड्राई फ्रूट्स की दिल्ली में, वो भी सस्ते ड्राई फ्रूट्स, तो कमेंट करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, आपके जितने कमेंट आएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मैं बनाऊँगा भाई उधर की वीडियो, और शेयर करो भाई इस वीडियो को। ये देखो भाई काजू, काजू क्या रेट है? काजू 150 का पाव बेचे, 120 का लगा। 120 का अंजीर ले जाओ, अखरोट भी ले जाओ। अखरोट क्या रेट है? पाव 120 के लगा, ये घुटने के लिए, कमर के लिए, शुगर वाले के लिए अच्छा रहता है भैया। ये देखो भाई पाव तो सही। ये देखो भाई ये 150 रुपए का अंजीर, दिखा अंजीर। अखरोट है 150 का और ये काजू 120। अंजीर दिखा ना, अच्छा एक कलर ऐसा है क्या? हेलो भैया अंजीर ले जा, बहुत अच्छी है, 150 की पाव बेचिए, 100 रुपये पाव लगा देती है, मोटी अंजीर है भैया, तो घर जा रही खाली करना है। काजू के रेट है? काजू काजू भाई 150 का पाव। और ये वाला? 170 का पाव। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है इन दोनों में? इसमें टुकड़ा नहीं है, 170 या 150। बादाम भाई सही है भाई, किसमें के रेट है भाई? 60 के पाव भाई। और वो रेट है भाई 180 का पाव। और वो छोटा वाला बादाम? 130 का पाव। ये भी 160 का, 150 का पाव लगेगा। 150 का पाव सही है भाई। ये क्या रेट दिया? 450। ये देखो भाई 450 रुपये किलो। अरे रेट लाने का तो बने पिस्ता है ना अंडी, ये भी इतना ही बचा ज्यादा, ये भी नहीं। ये देखो भाई ये मिक्स आ गया, मिक्स क्या रेट है? 200।
काजू बादाम 100 रुपये 200 ही सुना मेरे को भी 200 है ना 200 और काजू क्या रेट दिया काजू बादाम दोनों 600 है और पिस्ता तो काम करता है ना यही ओरिजिनल होता है मैं आपको समझा रहा हूँ ना आपको ऐसा वहम हो रहा है ये देखो इसके अंदर जो ऑयल निकलता है ना कभी मीठा नहीं होता ये लो इसे पानी में भिगो के खाओगे तो बहुत अच्छा रहता है।